हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है हमारे देश में देखे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी किए हुए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है वो है विटामिन डी रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। विटामिन डी इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मेंटेनिंग बोन हेल्थ एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर। मतलब कि जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए इतना एसेंशियल है जो कि हमारे बॉडी में मेंटेन करता है हमारा जो हड्डी है, मतलब कि बोन है, उसके हेल्थ को, साथ में हम लोग को प्रिवेंट करता है किससे, कैंसर से। दिस सिम्टम ऑफ दिस विटामिन डेफिशियंसी इज पेन इन बोन्स, फैटिग्यू, मसल एच एंड इंटरनल वीकनेस ऑल्सो। जो सिम्टम्स है जो कि देखे जाते हैं विटामिन डी की डेफिशियंसी से, जो आपकी हड्डियां हैं, बोन्स में पेन होना, फैटिग्यू होना, मसल्स में एचेज मतलब कि अकड़न होना, साथ में जो इंटरनल वीकनेस मतलब कि आपको महसूस होगा कि आप कमज़ोर सा महसूस करेंगे खुद को, तो ये उसके कुछ डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स हैं। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसीज ऑफ न्यूट्रिएंट वुड रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग बोन्स, ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर एंड कैंसर। जो कि विटामिन डी से रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, उनकी डेफिशिएंसीज हैं। तो ये था विटामिन डी का न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कि कैसे कैसे डेफिशिएंसी जो कि देखी जाती है विटामिन डी के कमी होने से। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना असेंशियल है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी के लिए है, तो उसमें कौन कौन सा आता है, हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा साथ में फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, साथ में और जो दो रह गए आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, मैं बता सकता हूँ बट वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। तो ये कुछ हैं जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो इसमें जानते हैं प्रोटीन रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या है। प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो कि प्रोटीन होते हैं वो आपको हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो उसको तैयार करता है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल व्हेन इट कम टू मेंटेनिंग मसल्स मास। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी फंक्शन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज फाउंड इन चिल्ड्रन विद सीरियसली लो न्यूट्रिएंट इनटेक इन देयर ग्रोइंग ईयर्स, ऑल्सो फाउंड इन हु सफर फ्रॉम फास्टिंग, डिप्रेशन, लिमिटेड इनटेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रियस फूड। इस वजह से जो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपको जो भी ह्यूमन्स है उसमें देखी जाती हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि विटामिन डी से रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और प्रोटीन से रिलेटेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर करना मत भूलिए। और इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इन दोनों का लिंक है, जाइए वहाँ से आप लोग इस चैनल को मतलब कि हमारे पेज को ज्वाइन कीजिए। इजीली आपको वहाँ से इस लेक्चर का PDF अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।